महाराष्ट्र के बागी विधायकों के गुवाहाटी के होटल में रुके जाने से इन दिनों पूरे देश की निगाह असम की ओर है। वहीं असम का बड़ा हिस्सा बाढ़ से बेहाल है। आपको बता दें कि बाढ़ और इससे जुड़े हादसों की वजह से शनिवार तक राज्य में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 118 पहुंच गया है। आपको बता दें कि सबसे भयावह स्थिति बाराक घाटी के सिलचर शहर में है। यह पूरा इलाका 6 दिन से पानी में डूबा हुआ है। पिछले 24 घंटे में यहां 10 लोगों की मौत हुई है। यहां संक्रामक बीमारियां फैलने के साथ खाने और पीने का भी संकट मंडरा रहा है। ऐसे हालात तब हैं जब वायुसेना हेलीकॉप्टर बाढ़ पीड़ितों को खाने के पैकेट और पानी की बोतलें मुहैया करा रहे हैं। आपको बता दें कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे कुछ लोगों ने सिलचर में खाने पीने की किल्लत की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका फायदा उठाते हुए मुनाफाखोरी भी हो रही है। पानी की क्रेन के लिए 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। वहीं एक मोमबत्ती के लिए लोगों को 50-50 रुपए देने पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।